धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। मकान के एक हॉल में प्रार्थना करते मिले 250 महिला पुरुष। केंद्र बंद कराने की कोशिश करने पर महिलाओं ने पुलिस का किया विरोध, जीप को घेरा। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के भीमनगर इलाके में धर्मांतरण केंद्र चलने की सूचना पर रविवार सुबह कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने एक घर पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में चर्च बनाकर हर रविवार प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रवचन के जरिए लोगों को हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने के लिए आध्यात्मिक तरीके से प्रेरित किया जा रहा है। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे डिप्टी SP अमर सिंह मीणा, कोतवाली SHO बाबूलाल गुर्जर और सदर थाना SHO बलराम यादव जाप्ते के साथ भीमनगर स्थित कैलाश कोहली के मकान पर पहुंचे, जहां पुलिस को करीब 250 महिला पुरुष घर के हॉल में बैठकर प्रार्थना करते मिले। पुलिस ने बिना अनुमति चल रहे केंद्र को बंद कराने की कोशिश की तो महिला अनुयायियों ने विरोध कर दिया। इस दौरान आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। करीब एक घंटे तक चले विरोध के बाद पुलिस केंद्र संचालक अशोक कोहली को पूछताछ के लिए थाने ले आई है। पुलिस जब केंद्र संचालक को थाने लाने लगी तो महिलाओं ने केंद्र संचालक को ले जाने का भी विरोध किया और पुलिस की जीप को घेर लिया। हालांकि प्रार्थना सभा में मौजूद महिलाओं का कहना था कि यहां कोई धर्म परिवर्तन जैसा काम नहीं हो रहा है, बल्कि प्रार्थना के जरिए लोगों को शांति मिल रही है। केंद्र संचालक अशोक कोहली ने पुलिस को बताया कि 10 साल से यह केंद्र चला रहे हैं, जिसमें जीवन से दुखी लोगों को बाइबल की शिक्षा और प्रार्थना के जरिए शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। यहां धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं होती है। डिप्टी SP अमर सिंह मीणा ने बताया कि धर्मांतरण की सूचना पर केंद्र पर जांच की है, केंद्र संचालक से पूछताछ की जा रही है। केंद्र संचालक को परमिशन लेने के लिए पाबंद किया है। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज जरिए सूचना मिली थी कि कोई भीमनगर के यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की कोई मीटिंग चल रही है, जिसमें हम मौके पहुँचे। वहाँ काफ़ी 50-60 महिला पुरुष बैठे हुए थे, जिनसे जानकारी की तो बताया कि हम तुम्हारे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन से कोई बात सामने नहीं आई। सर किसी लोग को हिरासत में लिया है जो लोग? नहीं, वो संचालक को बिना संचालक पाबंदी के लिए उनको पूछताछ जा रही है सर। पूछताछ जा रही है।